हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मॉस्फेट की सही तरह से मल्टीमीटर से टेस्टिंग कैसे करेंगे ये जानने वाले हैं। तो यहाँ पे कई तरह के मॉस्फेट होते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले पिन आउट की बात कर लेते हैं। तो कोई भी मॉस्फेट है उसकी 3 पिनें ही होती हैं, चाहे उसमें 6 पिन हो, कई पिनें उसमें आपस में कंबाइंड होती हैं, कुल मिला के 3 पिनें होती हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक मॉस्फेट है, इसमें 3 पिनें हैं। तो इसकी पिन आउट हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 3 पिन है, इनमें जो सेंटर की पिन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सेंटर की पिन जो है ये ड्रेन पिन होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की पिन जो है ये गेट पिन होती है, और इसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड की पिन जो है ये सोर्स पिन होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमने पिन आउट जो है जान ली कि ये हमारी गेट पिन, ये हमारी सोर्स पिन, और सेंटर वाली पिन जो है ये हमारी ड्रेन पिन हो गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये मॉस्फेट जो है इसमें जो ड्रेन पिन है वो बाहर नहीं निकली है। इस तरह के मॉस्फेट भी होते हैं जिनमें ड्रेन पिन जो है ये पूरी बाहर निकली होती है, मेटलिक होती है पूरी की पूरी बॉडी, जो हीट सिंक के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरह के मॉस्फेट भी होते हैं। तो यहाँ पे ड्रेन और ये मेटलिक बॉडी ये आपस में कंबाइंड होती है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूँ कि मॉस्फेट कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे मॉस्फेट जो है 2 तरह के होते हैं, एक एन चैनल मॉस्फेट जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और ये पी चैनल मॉस्फेट। तो ये जो एन चैनल और पी चैनल मॉस्फेट होते हैं, इनके ये आप सिंबल देख पा रहे हैं यहाँ पे। एन चैनल मॉस्फेट और पी चैनल मॉस्फेट में एक डायोड इनबिल्ड होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और बस यही डायोड हमें एन चैनल और पी चैनल मॉस्फेट को अलग करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एन चैनल मॉस्फेट में डायोड का पेंटेड साइड जो है ड्रेन की तरफ होता है, तो इसको हम एन चैनल मॉस्फेट कहते हैं, जबकि पी चैनल मॉस्फेट में डायोड का पेंटेड साइड जो है ये सोर्स की तरफ होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल बनाया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस मॉडल में एक डायोड है, तो ये जो डायोड है इसका पेंटेड साइड जो है जिस तरफ होगा ये हमारा ड्रेन, और जो दूसरी साइड ये हमारा सोर्स होगा। और ये जो पुश बटन है ये हमारा गेट पिन है। यहाँ पे जब हम गेट पे एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल देते हैं तो ये सोर्स और ड्रेन को आपस में जोड़ता है। तो इस तरीके से ये मॉडल को अभी हम डिटेल में समझेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपका सारा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो हर मॉस्फेट में एक इनबिल्ड डायोड होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक मॉस्फेट जो है इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि मल्टीमीटर से इसको कैसे टेस्ट करना है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी में लगा के, और चूंकि ये एन चैनल मॉस्फेट है तो इसमें जो सेंटर पिन है ड्रेन उसमें हम मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब लगाएंगे, और जो इसका सोर्स पिन है उसमें रेड प्रोब लगाएंगे। तो मल्टीमीटर जो है इसके अंदर की डायोड जो लगा हुआ है उसकी वैल्यू शो करेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक डायोड की वैल्यू शो हो रही है। तो इस तरीके से ये पहला स्टेप है जो मॉस्फेट की टेस्टिंग का पहला स्टेप है। इसके बाद जो आप वैल्यू देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वैल्यू हमारे डायोड की वैल्यू है अंदर की। अब क्या करेंगे, अब हम ये जो रेड प्रोब है इसको अब हम गेट पिन पे टच करेंगे। तो कोई भी वैल्यू शो नहीं करना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू अब हमारा मल्टीमीटर शो नहीं कर रहा है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सोर्स के साथ वैल्यू और गेट पिन के साथ कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। अब हम मल्टीमीटर की प्रोब पलट के भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने रेड प्रोब जो है ये ड्रेन पे लगाई है, ये हमारा एन चैनल मॉस्फेट है। अगर ये पी चैनल मॉस्फेट होता तो यहाँ पे वैल्यू शो करता इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा एन चैनल मॉस्फेट है और बिल्कुल ओके है। यहाँ पे पी चैनल और एन चैनल मॉस्फेट जो है आपस में अपोजिट बिल्कुल वैल्यू शो करते हैं। तो इस तरीके से जो एन चैनल और पी चैनल मॉस्फेट है इनको हमने जान लिया किस तरीके से टेस्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे 1N मॉस्फेट है या 2N मॉस्फेट है या 5N मॉस्फेट है या 7N मॉस्फेट है, तो इनमें आगे 60 लिखा है या 80 लिखा है उसका क्या मतलब। तो 1N का मतलब हो गया 1 एम्पियर का मॉस्फेट, और अगर 60 लिखा है तो 600 वोल्ट पे काम करने वाला, अगर 80 लिखा है तो 800 वोल्ट पे काम करने वाला। तो अब बात करते हैं जैसे किसी सर्किट में 1N 60 का मॉस्फेट लगा है तो क्या वहां पे 2N 60 या 5N 60 का मॉस्फेट लगा सकते हैं। तो बिल्कुल लगा सकते हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी सर्किट में 5N 60 का मॉस्फेट लगा है वहां पे आप 1N 60 या 2N 60 का मॉस्फेट नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे अगर किसी सर्किट में 7N 80 का मॉस्फेट लगा है तो इसका मतलब 7 एम्पियर और 800 वोल्ट पे काम करने वाला मॉस्फेट, तो वहां पे 5N 80 का मॉस्फेट या 5N 60 का मॉस्फेट आप नहीं लगा सकते हैं, आपका मॉस्फेट खराब हो जाएगा, सर्किट काम नहीं करेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 7N 60 का मॉस्फेट है, 7 एम्पियर और 600 वोल्ट पे काम करने वाला। तो इसी तरीके से हमारे 7N 80 के मॉस्फेट भी होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 7N 80 का मॉस्फेट है यानी 7 एम्पियर और 800 वोल्ट पे काम करने वाला। तो इस तरह के मॉस्फेट जो है ये हमारे लैपटॉप की पावर सप्लाई या LED ड्राइवर
की पावर सप्लाई SMPS सप्लाई में लगे होते हैं। तो इन मॉस्फेट्स को आप पहचान गए हैं कि कैसे हम जानेंगे इन पे लिखे हुए नंबर से कि ये कितने बोल्ट और कितने एम्पियर के हैं। बाकी आप डिटेल में डाटा शीट जो है डाटा शीट से क्लियर कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो वहां पे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे अपने मॉडल से, इसको जरा सा मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो स्विचिंग है वो काम करती है, इन्वर्टर में हमारा मॉस्फेट जो है कैसे फंक्शन करता है, कैसे चार्जिंग होती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जब मैं आपको मॉडल से ये सारा कुछ समझाऊंगा, यहाँ पे ये हमारा मॉडल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक एन चैनल मॉस्फेट का मॉडल मैंने बनाया है। यहाँ पे हमारे पास एक कंटिन्यूटी टेस्टर है जिसमें एक एलईडी लगी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे रेड वायर वाली जो साइड की लेग है हमारी एलईडी टेस्टर की, ये पॉजिटिव है और ये ब्राउन वायर वाली निगेटिव है। तो पॉजिटिव अगर हम एन चैनल के ड्रेन पे सप्लाई देते हैं तो हमारी जो सप्लाई है वो क्रॉस नहीं होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सप्लाई हमारी क्रॉस नहीं हुई, हमारा इंडिकेटर जो है कंटिन्यूटी टेस्टर का नहीं ग्लो हुआ। लेकिन अगर हम ग्रिड पे यहाँ पे अगर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं या एक सिग्नल अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो इंडिकेटर है वो ग्लो हुआ, यानी करंट जो है पास हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही जो मॉस्फेट है वो इन्वर्टर में काम करता है। इन्वर्टर में कैसे काम करता है, जब हमारा इन्वर्टर बैटरी को चार्जिंग करता है तो ये जो मॉस्फेट के अंदर का जो डायोड है ये एक्टिव रहता है और इसी से करंट जो है बैटरी में पहुंचता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। और जब हमारा इन्वर्टर जो है लाइट चली जाती है और इन्वर्टर ऑन होता है, ऐसी स्थिति में ये डायोड जो है ये काम नहीं करता है। फिर यहाँ पे जो आप गेट पिन देख रहे हैं इस पे PWM सिग्नल जाता है जिससे कि हमारा ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट होता है और बैटरी से करंट ट्रांसफार्मर में स्विचिंग के द्वारा पहुंचता है और आउटपुट में एक हमें वोल्टेज मिलता है जिसको हम उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो मॉस्फेट होते हैं ये काम करते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा और इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए जीरो लैब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।